दो मिनट के अंदर सो जाइयो। किसी ने पकड़ रखा है, गेट खोलो। बोलू ऊपर आ जाए, घर बाहर से लॉक कर। क्या हो गया तू? मैं बोलूंगी बात, तू बोले तेरे पास थी। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर प्रैंक। तो आज का जो प्रैंक है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। पायल और चीकू गए हैं बाहर, आएंगे, आने के बाद मैं और ये जाएंगे बाहर, और बाहर से मैं लॉक कर दूंगा गेट, और उसके बाद बोलूंगा नीचे झगड़ा होगा, फटाक से नीचे आ जा। अब उससे गेट नहीं खुलेगा तो रिएक्शन देखने हैं, वो चाबी को कहाँ ढूंढती है, क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है। तो पहले घबरा जाएगी पायल, क्या नहीं करेगी। अब एक काम करते हैं, पायल और चीकू के आने से पहले ना हम लोग अपने जो कैमरेज है ना, कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं वो कर देते हैं। और कैमरे बहुत सारे प्लेस होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह प्लेस होने वाले कैमरे। अब जितना घर है उतनी जगह कैमरे हर एक। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। तो ये वाला कैमरा यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि हमारी जो चाबी है ना वो यहीं इर्द गिर्द है, और मेरी पूरी टीम लगी हुई है काम करने के लिए। तो देखो, वैसे हमारे पास ये वाली की भी है, पर ना हम इसमें चाबी टांगते नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है चाबी टांगना। पायल की तो वैसे ही टांगती, तो हमने ना अपनी सारी चाबी हमेशा जब से इस घर में आई यहाँ ही रखती है। तो ये वाला कैमरा ना यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से ना पूरे दरवाजे का पता लगता रहेगा, तो इसको थोड़ा छुपा के रखना पड़ेगा ठस्से में। तो सारी जगह ना हमने कैमरा फिट कर दिया, मैंने घर की चाबी उठा ली, बस पायल के आने का वेट है। जैसे ही पायल आती है मैं और चीकू के पापा जाएंगे नीचे। पायल का वेट कर रहा था, पायल आ गई है, चीकू भी आ गया है। तो अभी हम निकल रहे हैं सैलून के लिए, थोड़ा सा हेयर कट भी कराना है, छोटा मोटा काम भी है मुझे। ठीक है चीकू, दोनों जा रहे हो? हाँ, ये भी जा रही। हाँ, मैं भी जा रही। मैं सोच रही हूँ कि ना वो करवा लूँ थ्रेडिंग अपर लिप्स है। चल तू भी। नहीं नहीं, मैं तो अभी आई हूँ नीचे से इसको खिला के, देखना कैसे आए लटका लुटका के सामान। चलो आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मैं तब तक सुला देती हूँ उसको। ठीक, आ जाओ बेटा। तो अभी हम 2-4 सेकंड वेट कर रहे हैं चाबी पे ताला लगाने के लिए, चाबी पे ताला, गेट पे ताला लगाने के लिए। चलो शुरू करो कार्यक्रम, कर दूँ ताला, आराम से लगाइए। फोन पकड़ो, खोल के जल्दी से सो जाओ बेटा, पापा कटिंग कराने गए ना, पापा आएंगे सबसे पहले आपको देखेंगे, आप सोए हो कि नहीं सोए हो। जल्दी लेटो। कुछ चाहिए? पानी वानी चाहिए? दूध चाहिए। दूध चाहिए, मैं पानी दूध दोनों लेके आ रही हूँ। दो मिनट के अंदर सो जाइयो, एसी चला दूँ? 2-4-5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद कॉल करेंगे पायल को और बोलेंगे कि भैया नीचे सोसाइटी में झगड़ा हो गया गोलू का किसी बात को लेके, तू फटाक से नीचे आ जा। उसके बाद देखते उसके रिएक्शन, वो कैसे नीचे आती, कैसे गेट खोलती, क्या होगा। मेरे साथ धीरज भी खड़ा है यहाँ पे। गेट तो खोल ही नहीं पाएगी, गेट तो खोल ही नहीं पाएगी, गेट तो हमने लॉक कर दिया है। तो मतलब कि ये देखेंगे कितना हड़बड़ाएगी, और चीकू भी साथ में, तो मज़ा आएगा देखने में क्या क्या करेगी पायल। फ़ोन रख दे बेटा, फ़ोन रख दे, नींद पूरी कर ले, पापा आते डांटेंगे तुझे। सबसे पहले तुझे चेक करेंगे पापा सोया कि नहीं सोया। ठीक है मम्मा। लेट, ये छोड़, ये खिलौने दे मेरे को सारे, ये भी दे। तो पापा का फोन आ गया तो हमने बोलू सो जाइए दो मिनट के अंदर। हेलो, हेलो, हाँ गोलू, हेलो, हाँ 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 पायल यार फटाफट नीचे आ जाए, मेरी लड़ाई हो गई किसी सोसाइटी में। सोसाइटी में कंप्लेंट कर दो ना। है क्या हो गया? सबको छोड़, मेरी लड़ाई हो गई किसी से, चीकू के पापा वहाँ पे बहस करे, तो नीचे आ फटाफट। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। चीकू जल्दी चल, पापा की लड़ाई होगी नीचे, जल्दी चल चल। क्या वो, मुझे बहुत डर लग रहा था बोलते हुए। थोड़ा सा ना ठस्से में चले जाते हैं ऊपर सीढ़ियों में, अभी हमारी आवाज ना सुन ले। अगर हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर कैमरा होता ना, तो पायल चेक कर लेती है ना हम बाहर खड़े हैं। जैसे तो भैया सीसीटीवी, अभी थोड़ा रिएक्शन देखें, बाहर आवाज आ रही है शायद गेट की। लड़ाई होगी नीचे पापा की। चप्पल पहन, चप्पल पहन, चप्पल पहन। अरे क्या हो गया यार, लॉक तो नहीं लगा हुआ कोई भी? वो लॉक लगा हुआ है, देखो लॉक लगा हुआ है। तो भैया गालियां खाने वाले हैं पायल से। चीकू चाबी कहाँ है? इधर भी नहीं है चाबी। नहीं चाबी, ये वाली तो नहीं है, ये वाली मम्मा चाबी नहीं है। नहीं चीकू, ये नहीं है चाबी, नहीं है वो यार, चाबी नहीं है। कोई है? कौन सुन रहा है?
कोई गेट खोलो। हेलो यार गेट चिकू बालकनी से देख के, तू बालकनी से देख के आती हूँ, कहाँ पे लड़ाई हो रही है। भाभी ना आ जाए, पता चले भाभी आ जाए क्या हुआ क्या हुआ, वो कर दे हमें फोन कि पायल लॉक है। नितिन को बुलाना नीचे से। नितिन भी बुलाती हूँ। कैसा लगा फोन कर दी? अच्छा है, बहुत अच्छा, अभी मजा आएगा देख। तो जो ये प्रैंक का आइडियाज होता है ना, मेरा ही रहता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। फुल कलेश हो रहा है। गोलू भी फोन नहीं उठा रही है, देख गोलू माँ को फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। पापा को फोन करो। हाँ? यार कहाँ रह गई, कब से वेट कर रही हूँ। पागल हो गई कि ध्यान धक्का मारना, जाम हो गया होगा, जल्दी आ नीचे पाए जल्दी आ। मैंने काट दिया उसको। हेलो बंद है एक बार। हेलो गुड्डू मैं नहीं, मैं आ रही हूँ। हाँ ऊपर भेजो किसी को, गेट नहीं खुल रहा बाहर से, शायद जाम हो गया। कोई नहीं, मैं नीचे संभालता हूँ, इस गोलू को भेजता हूँ। पर मुझे एक बार आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, टेंशन मत ले, आती रुक जाओ। अब मैं ऊपर जाऊँ, ऊपर ही हूँ। बहुत सारे लोग आ गए हैं। हाँ भाई अब मैं क्या करूँ, दोबारा कॉल कर। अभी पायल की मिस कॉल आई है, पायल का फोन आ रहा है मुझे बार बार, उठा ले, क्या बोलूँ, उठा ले। नितिन की बात कर रहे, भाभी कलेश हो रहा ज़्यादा है। ठीक है तो भाभी कलेश हो रहा ज़्यादा, ये फोन नहीं उठा रहा कोई भी। पापा नहीं उठा, गुड्डू गोलू फोन नहीं उठा रही है, कहाँ हो गोलू? ऊपर आ एक बार, बाहर से लॉक कर, बाहर से लॉक खोल देना एक बार, आके ऊपर। गोलू मुझे बहुत टेंशन हो रही, गोलू प्लीज ऊपर आ जाए एक बार, लॉक खोल दे। भैया ऊपर आके गेट तो खोलो, मैं कैसे आऊँ घर से बाहर, कैसे निकलूँ? भैया प्लीज मेरे को टेंशन हो रही है। नितिन भैया, नितिन कहाँ है? और चीकू पता नहीं क्या हो रहा नीचे। नितिन भैया ऊपर आके गेट खोल दो ना, मैं नीचे आ रही हूँ। एक बार चुपचाप चाबी देखती हूँ घर में, जल्दी आओ भैया, मेरे को टेंशन हो रही है ऐसे। डोर में तो चेक करो माँ। तू चेक कर बेटा यहाँ, मैं अंदर चेक करके आती हूँ, मैं अंदर चेक करके आती हूँ, तू चेक कर। ठीक है मम्मा, मैं चेक करती हूँ वहाँ पे। यार वहाँ पे भी है, तो गाइस हम बोलेंगे कि चाबी भैया हमारी जेब में रह गई थी गलती से, तो नीचे सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो अभी गोलू के रिएक्शन देखते हैं। चल मैं बोलूँ एक बात, तू बोले तेरे पास थी, तू डांटी हो नहीं तुम, तो बोले भाभी चाबी ऊपर तुम लेके गए हो, कब मकल नहीं आया तुम। यार चाबी मेरे पास थी यार, वो मैं भाग भाग के आई फटाफट, मकल नहीं है इसको बिल्कुल भी। मैं लिफ्ट से नहीं आई, मैं सीढ़ी से आई, बहुत थक गई। क्या हुआ था, किसके साथ लड़ाई हुई? नीचे सोसाइटी में लड़ाई हो गई थी एक आंटी के साथ मेरी। मैं यहाँ पागलों की तरह कभी वहाँ भाग रही हूँ कभी वहाँ भाग रही हूँ, पूरे घर में ढूंढ लिया, चाबी नहीं है मेरे तो लॉक क्यों करके गई थी? अकल ही नहीं है, मेरे को दिमाग से निकल गया। सॉरी यार चीकू, सॉरी बेटा, पता नहीं था मुझे, सॉरी यार। लेके जा इसको नीचे, लेके जा उसको समझा के नीचे, रोज बकवास हो रही उनकी। चल मेरे को साथ चल। यार वो बार बार ये बात बोल रही है कि आप गाड़ी यहाँ क्यों पार्क करते हो, वहाँ क्यों करते हो, हमारी पार्किंग में जहाँ मर्जी। चल मैं बात करूंगी, चल मैं कराऊंगा बात तेरा। नहीं मैं चलती हूँ मेरे साथ में भैया, इनसे इनसे नहीं होती बात, मैं जाती हूँ। चलो चलो यूट्यूब पागल वाला खाई थी देर से, मैं और चीकू चाबी ढूंढ रहे घर में, इधर उधर धक्के खा रहे थे, पसीने देखो मेरे। अरे बाहर ही खड़े थे, बाहर ही खड़े थे, आवाज आ रही थी, बहुत डर रहे थे। इसी की बात, इसी ने कराया सारा काम, मेरा दिमाग नहीं इतना फ्रैंक में। मैं तो जैसे ऐसे नहीं करना चाहिए भैया, किसी को अटैक आ जाए कुछ हो जाए फिर। इसने करा, इसने ठीक है, छोटी मम्मी ने करा तेरी, मेरी कोई गलती नहीं। मैं कोई सीढ़ी से नहीं आई, मैं बाहर ही खड़ी थी, कोई नीचे गया ही नहीं था, हम बाहर खड़े थे और हमें डर लग रहा था। ऐसे कौन करता है? तेरे को कैसा लगा था? पापा बहुत गंदा लगा था। तेरे को डर नहीं लगा कि पापा का झगड़ा हो गया, क्या करूं? लग रहा था डर बहुत ज्यादा। फिर नितिन और गोलू का था, मैं तो मना कर रहा था, मत पसीने देखना मुझे कितने आ गए। कोई बंदे को अटैक आ जाए, कोई कुछ भी हो जाए, गिर जाए, फिसल जाए, भागते भागते मैं इसको मना करा। बताइए नितिन, भाभी ने मुझे कहा था कि भैया आज ऐसे करते हैं, भाभी ने करा। क्यों करा बेटा तूने ऐसा? मेरे को अच्छा लगता है ऐसे तंग करना ना।
अगली बार प्रैंक किसके साथ करना। तो गाइस ये जो प्रैंक था ना, ये प्रैंक सीरियसली बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि बाहर से इन लोगों ने जो गेट है वो लॉक कर रखा था और यहाँ से ना गेट को खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे बाकी लॉक्स में यहाँ पे एक लॉक के साथ कुछ होता है जैसे अंदर से भी गेट खुल जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब तक चाबी नहीं लगेगी गेट नहीं खोलेगा। तो इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गंदा प्रैंक किया है। तो गाइस आज का प्रैंक यहीं खत्म करते हैं हम, और बताना आपको कैसा लगा। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, और ये नहीं है कि किसी को दिल पे ठेस पहुंचे या किसी को अटैक हो, सिर्फ एक फनी वे में था ये।